मैंने तो जो रोना रोना ही है, आप ही रोते रहेंगे। मेरे पास इतना पैसा है, ये मेरे बेटे की 5 लाख की घड़ी है, ये मेरे बेटे की 1 करोड़ रुपए की कार है। ये उस वक्त वो बातें कर जब हम उनके घर माफी मांगने गए। ठीक है, 5 लाख की घड़ी है, 1 करोड़ रुपए की कार खड़ी है, 3 मेरी दुकानें हैं रंगमहल में जिसका 2-2 लाख रुपए किराया आता है, 6 लाख वो भी जाता है, 1 मेरी फैक्ट्री है, तो इतना पैसा मैं कहाँ ले जाऊँ। लेकिन उसकी एक बात मुझे अच्छी लगी थी, उसने ये कहा कि जब मेरे बेटे को गोली लगी थी तो ये भागे क्यों, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते। मैं उसकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ। तो उसने ये बात, इनको भी यही चाहिए था कि अगर गोली लग गई थी तो जिस भी हालत में था वो उसको मोटरसाइकिल पर उठाते हॉस्पिटल में ले जाते, लेकिन ये सारे भाग गए। ठीक है, ये उसका कहना ठीक था। अच्छा मुझे आप बताएं कि अब आपका बच्चा किधर है? हमारा बच्चा अभी घर में नहीं है, हम डरते हैं। लेकिन किसी ना किसी वक्त, एक दिन जब उसकी जमानत हुई हम उसको घर नहीं लेके आए 302 के केस में। हाँ जी, ठीक है, जब उसकी जमानत हुई 302 के केस में हम उसको डर के मारे घर नहीं लेके गए, क्योंकि ये कहते थे कि वहां से बाहर निकले हम उसी वक्त उसको कुछ कर देंगे। मोटरसाइकिल स्टार्ट खड़ी थी, उसको ऊपर बिठाया और उसी वक्त उसको ले गया स्टेशन पे और उसको कराची बिठा दिया, हमने उसको घर में नहीं रखा। ठीक है, अब जब उसका ट्रायल चलता है तब हमने उसको कराची से बुलाया क्योंकि तारीखें भुगतनी है, अभी हमने उसको छुपाया हुआ है, डरते हैं हम। ठीक है, लेकिन एक डकैती के केस में उसको इश्तिहारी करार दे दिया गया, किसी ना किसी तरह या किसी ना किसी वक्त तो आपको उसको पेश करना पड़ेगा। हम पेश करेंगे, हमें डीएसपी साहब कहेंगे इसको पेश करो, हम करेंगे। अगर हम ये जो सर्वर एएसआई है इसके हम पेश कर दें, वो तो उसको इतना मारेगा मार मार के। फिर आपको अगर ये है कि आपका बेटा बेगुनाह है और उसको बिला वजह फंसाया जा रहा है आपके कहने के मुताबिक, तो किसी सीनियर ऑफिसर से आप जाके मिलें, किसी एसपी से मिलें, डीएसजी से मिलें। मैं वही आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमें जब हम गए थे उसने कहा जी सीडीआर ले आए, डीएसपी साहब ने बहुत अच्छी बात की, इस तरह सर्वर साहब सामने बैठे वो कह रहा हाँ भाई आप इसके ऊपर डकैती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपके पास कोई सबूत है? कहता जी नहीं। तो कहता मैं कहता हूँ सर्वर साहब ये डकैती आपने की है तो फिर आपको पकड़ लें। फिर वो उसका मुँह देखने लगे, उसने कहा पैसे करें इसकी सीडीआर लेके आए, अगर इसके सीडीआर में ये आया तो मैं इसको गिरफ्तार भी करूँगा, मैं इसे बरामद भी करूँगा, अगर सीडीआर नहीं मिली तो ये फारग है। हम इधर इंतज़ार करते रहे 2-3 माह, हमें डीएसपी साहब ने कोई कॉल नहीं की, ना उनके दफ्तर से कोई कॉल आई, ना सर्वर साहब ने हमें कॉल की है कि जी ये जो मैंने कर लिया तो आए आप देखें। फिर उसके बाद पुलिस आती है और आपको, ठीक है जी, आपके भाई को गिरफ्तार कर लेती है। 3-4 माह के बाद पुलिस आती है और वो मेरे भाई को जो है वो गिरफ्तार करके ले जाती है, जी आपने मफरूर को पनाह दी है, और भाई जो बेटा है वो बाप के घर में ही रहेगा ना, वो किधर जाएगा? लेकिन वो तो मफरूर है भी नहीं, उसने तो वो काम किया भी नहीं है। फिर जब आपके जिम्मे एक बात लगाई है कि आप इसकी सीडीआर बनवाएं तो क्यों नहीं बनाई? बनाते हैं ना फिर सीडीआर बना के उसको जुर्मवार साबित करते, फिर उसको मुल्ज़म करार देते तो हमें कोई दुख ना होता। जब सीडीआर ही नहीं उसने बनाई तो उसने कैसे उसको मुल्ज़म करार दे दिया, कैसे इसके ऊपर जाके वो इसको एफआईआर काट के इसको वो जेल में हवालात में रखा, फिर मैंने इसकी जमानत कराई, टांग इसकी एक नहीं है। मैं मुलाजम पेशा बनता हूँ, जब भी इसने कहीं जाना होता है मैं इसको मोटरसाइकिल पर लेके जाता हूँ, उस दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ती। अब हम 2-3 दिन से खुद फ़ोन कर रहे हैं थाने में रावी रोड में कि सर वो हमारी सीडीआर आ गई, हम आए, हमारा रबता ही नहीं होता वहाँ पे, हम वो अदनान साहब हैं वहाँ पे, उनसे फ़ोन पर रबता करने की कोशिश करते तो नहीं होता। हम इंतज़ार में कि अभी वो सीडीआर लेके आएगा तो हमें बुलाएंगे, हम फिर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा है पंजाब पूरे में, उसके ऊपर कोई FIR इससे पहले ये जो हादसाती कत्ल की है इससे पहले कोई भी FIR उससे पहले हो, हम जुर्मवार हैं। बिल्कुल ठीक, हम अपने बच्चों को खुद छोड़ देंगे उधर। बिल्कुल ठीक है, 17 साल का 18 साल का हमारा बच्चा था, जब से वो बेचारा 9वीं क्लास का तालेलम था, जब उसकी बाप की टांग कट गई तो उसको हमने स्कूल से हटा दिया, एक फैक्ट्री में डाला, वहाँ पे वो 20,000 रुपये महीना तनख्वाह लेता था जिससे हमारे घर का ये डाल दलिया चलता था।